अरे बच्चों, तो बेटा ऑर्गेनिक की जेई एडवांस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनिक जेई एडवांस। और आज का अपना क्वेश्चन जो है बच्चों, जेई एडवांस 2007 का है। कब का बच्चों? 2007 एडवांस है ना, एडवांस 2007 का है, ऑर्गेनिक का है। और ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन हेलो रीन का है ना। हेलो एल्केन हेलो रीन से स्टार्ट करा हम लोगों ने। आप लोग पहले सीखो और फिर लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन आपके हिसाब से कैसा था, डिफिकल्ट था, इजी था या मॉडरेट था। आसान क्वेश्चन रखा बच्चों। क्वेश्चन क्या है? द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन है ना। ये कन्वर्जन दे रखी है यहां से यहां पर, और रिएजेंट पूछा आपसे क्या लगेगा। तो मैं आपको कन्वर्जन करके दिखाता हूं। ये हो गया बच्चों आपका बीआर, ये हो गया बीआर, और एक बीआर हो गया इधर। अच्छा, एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है, दो कार्बन है। अच्छा, जब भी कभी आपको डबल बॉन्ड लेके आना हो तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास। कौन सा ऑप्शन होता है बच्चों? हमेशा बीटा एलिमिनेशन। क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन। अच्छा, बीटा एलिमिनेशन किसके प्रेजेंस में होता है? तो एल्कोहलिक। किसके प्रेजेंस में होता है बच्चों? एल्कोहलिक KOH। कभी कभार एग्जामिनर थोड़ा सा होशियार बनता है तो लिख देता है AlCKOH, और होशियार हुआ तो बच्चों लिख देगा C2H5OH के साथ KOH, और होशियार हुआ तो लिख देगा ETOH के साथ KOH, और होशियार हुआ तो लिख देगा ETO के साथ K। इसका मतलब सॉल्ट बना देगा एल्कोहल का पोटासियम के साथ। तो आप देख लेंगे सारी चीजें एक ही है। बीटा एलिमिनेशन लिखे, एल्कोहलिक KOH लिखे, AlCKOH लिखे, एल्कोहलिक पोटास है, ये C2H5OH के साथ KOH, ये भी बच्चों इथेनॉल हो गया। क्या हो गया बच्चों? इथेनॉल है ना। अच्छा, इथेनॉलिक KOH भी लिख सकता है, वो क्या लिख सकता है? इथेनॉलिक, इथेनॉलिक KOH। देख रहे बच्चों, एक ही चीज को इतने अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकता है, डिपेंड्स ऑन कौन सी ईयर में आया था। कॉम्प्लिसिटी थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी है ना। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर क्या है? एच और एच है, यहां पर भी क्या है? एच और एच है। पहले आप बीटा एलिमिनेशन करें, जहां से आपने हेलोजन हटाया दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और पड़ोस वाले को बोलेंगे बीटा कार्बन। एच निकाला बच्चों हमने बीटा से, और अल्फा से निकाला हेलोजन, तो ये बन गया आपका, यहां पर बच्चों डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, तो ये बन गया आपका लाइक दिस है ना। ये बन गया आपका, ये आपका बच्चों कार्बन, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, और यहां पर बच्चों आपके हाइड्रोजन तो ही है ना। दो हाइड्रोजन आपके पड़े हुए हैं, हाइड्रोजन को हमने कुछ भी नहीं करा, और HBr हमारा बाहर निकल गया है ना। क्या निकल गया? HBr हमारा बाहर निकल गया। तो एक स्टेप तो आपका हो गया, हम यहां पर आ गए, A पर आ गए है ना। अब आपसे क्या बोल रहा है बच्चों? इसके अंदर एक रिएजेंट और होना चाहिए। आपसे बोल रहा है बी बनाना बच्चों। क्या बनाना है? बी बनाना है। तो एक रिएजेंट यहां पर, ये वाला हमने फाइंड कर लिया रिएजेंट, ये वाला फाइंड रिएजेंट क्या होगा बच्चों? चेक कर लो, एल्कोहलिक KOH है, ठीक है, एल्कोहलिक KOH है, एक्वस KOH, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एल्कोहलिक KOH वाला आ गया। अब एक और चीज है, हम अभी यहां पे पहुंचे बच्चों, यहां पे पहुंचना है आपको। आपको क्या करना है बच्चों? ये इथाइन पे पहुंचना है। कहां पे पहुंचना है? इथाइन पे पहुंचना है। इसका मतलब एक और डबल बॉन्ड लेके आना है। तो हमारा एक स्टेप तो यहां तक ठीक है, ऑप्शन तो देखो आपको पता चल गया, लेकिन आप पूरा समझे, एक स्टेप तो हमारा हो गया। अब आगे क्या लिखा हुआ? फॉलोड बाय NaNH2 है ना, सोडियम अमाइन या एजाइड की फॉर्म में कह सकते हो, अमाइन कह लेते हैं, NaNH2। अच्छा, यहां पे क्या है ना, एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये देखो बच्चों, डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, 6 का मतलब हो गया 3 लोन पेयर। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर आते हैं तो बच्चों यहां पर रेजोनेंस की कंडीशन बन जाती है। किसकी कंडीशन बन जाती है? रेजोनेंस की कंडीशन बन जाती है। तो बच्चों ये हो गया कैसा आपका? स्टेबल। कैसा हो गया बेटा? ये हो गया आपका स्टेबल। अच्छा, अब यहां पे देखो, एल्कोहलिक KOH हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बच्चों एल्कोहलिक KOH आप तभी यूज करेंगे जब रेजोनेंस नहीं आएगा। यहां पर क्या बन गया बेटा? रेजोनेंस बन गया। अच्छा, अब क्या करना है आपको? कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेना है आपको। क्या लेना है? कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। एल्कोहलिक KOH बच्चों एलिमिनेशन करता है, तब करता है जब रेजोनेंस नहीं बनता। अब स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है? NaNH2 लेते हैं, NaNH2 लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब यहां पर बच्चों आराम से क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन हो जाएगा, यहां का Br और यहां का H निकल जाएगा, ये निकल गया, और ये बन गया आपका क्या? ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और ये बन गया आपका एल्काइन। क्या बन गया?
एथाइन का मतलब हो गया एल्काइन, एल्काइन बन गया और HBr आपका बाहर रिलीज हो गया। तो बच्चों ये था आपका 2007 एडवांस की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ठीक ठाक थी, बस आपको समझना ये था। पहला काम तो ये समझना है कि बीटा एलिमिनेशन कब लगता है और क्या क्या रिएजेंट हो सकते हैं। दूसरा काम क्या करना था, जब एक बार रेजोनेंस बन जाता है ना तो बेटा वहां पे बीटा एलिमिनेशन काम नहीं करता, वहां पे क्या काम करे, कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले आप ताकि वहां से एलिमिनेट हो सके या एलिमिनेशन हो सके। तो बच्चों ये प्रॉब्लम कैसी थी ये आपको कमेंट करके बताना, और एक एक प्रॉब्लम को कॉपी में लिखते रहो, एक एक प्रॉब्लम को कॉपी में लिखते रहो, ये ध्यान रखें इस चीज को। कमेंट करके जरूर बताएं प्रॉब्लम का लेवल कैसा था। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।